जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्राकल्पना या उपकल्पना के बारे में। आज का ये टॉपिक बीए एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से यूजीसी नेट पीजीटी जीआईसी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल या घंटी वाला बटन है इसको ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे जो आगे के वीडियो हैं वो आपके पास तक कंटिन्यू पहुंचते रहें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि देखते हैं कि प्राकल्पना या उपकल्पना, जिसे हम लोग अंग्रेजी में हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, वो क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनुसंधान की समस्या का चुनाव करने के बाद एक रिसर्च स्कॉलर या शोधकर्ता समस्या के बारे में, उसके कार्यकारण संबंधों के बारे में एक पूर्वानुमान लगा लेता है। इसके लिए वह पूर्व चिंतन भी करता है। तो सामाजिक अनुसंधान की भाषा में यही जो चिंतन है, उसका जो पूर्वानुमान है, उसी को हम लोग प्राकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राकल्पना शोध को आगे बढ़ाने का कार्य करती है और ये किसी अनुसंधान समस्या के बारे में शोधकर्ता के द्वारा लगाया गया सामान्य अनुमान होता है। कहने का आशय ये है कि सामाजिक अनुसंधान में जो हमने आपने जो टॉपिक लिया है, आपने जो सामाजिक अनुसंधान की जो में जो समस्या का चयन किया है, उस समस्या के कार्य कारण संबंधों के बारे में जो हम सामान्य अनुमान लगाते हैं, शोध कार्य शुरू करने से पहले जो हम पूर्व चिंतन करते हैं, इसी पूर्व चिंतन को सामान्य अनुमान को हम प्राकल्पना या उपकल्पना से संबोधित करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको उपकल्पना की कांसेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे वर्तमान में बढ़ती जो बेरोजगारी की समस्या का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो इस समस्या के कार्यकारण कारण संबंधों के बारे में अपने अनुभव के आधार पर हम आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि बेरोजगारी का प्रमुख कारण, यानी जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी का प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा जो शोध का, यानी जो शोध की जो समस्या है वो है वर्तमान में भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या। इस समस्या का अध्ययन करने से पहले हमने अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर ये सामान्य निष्कर्ष निकाल लिया कि बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो इस तरह से आप ये सामान्य अनुमान, एक प्राकल्पना ये निर्मित कर सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सामाजिक अनुसंधान की भाषा में प्राकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। यहाँ पर हम समझते हैं कि इस उदाहरण के माध्यम से आप जो प्राकल्पना की जो कॉन्सेप्ट है इसको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। क्योंकि जो प्राकल्पना है, इसका निर्माण किए बिना कोई भी शोध कार्य वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्राकल्पना है वो सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। हमारे पिछले वीडियो में, जिसमें हमने आपसे सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों की चर्चा की थी, उसमें हमने आपको बताया था कि जो प्राकल्पना का निर्माण है वो सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। अगर हम प्राकल्पना का निर्माण नहीं करते हैं तो वास्तव में अपने शोध कार्य में हम वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो प्राकल्पना है वो सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बिना प्राकल्पना के हमारा जो शोध कार्य है वो वैज्ञानिक निष्कर्ष की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। अगर हम लोग प्राकल्पना के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्राकल्पना शब्द की जो शाब्दिक दृष्टि से जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों से मिलकर के हुई है। कहने का हमारा आशय ये है कि प्राकल्पना शब्द जो है वो दो शब्दों प्राक और कल्पना के योग से बना हुआ है। यहाँ पर प्राक जो शब्द है उसका अर्थ होता है पूर्ववर्ती और कल्पना का मतलब होता है विचार या अनुमान।
तो इस तरह से आप शाब्दिक रूप से ये कह सकते हैं कि अनुसंधान कार्य के पूर्व में लगाया गया जो पूर्वानुमान है उसी को हम लोग उपकल्पना या प्राकल्पना कहते हैं। तो प्राकल्पना का मतलब ये हो गया कि अनुसंधान कार्य के पूर्व में अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो लगाया गया जो पूर्वानुमान है, जो सामान्य उसका जो निष्कर्ष है, इसी निष्कर्ष को, सामान्य अनुमान को हम प्राकल्पना से संबोधित करते हैं या प्राकल्पना कहते हैं। क्योंकि जो उपकल्पना होती है वो दो चरों के बीच के संबंधों के विषय में एक पूर्वानुमान होती है और यह अनुसंधान की समस्या की वास्तव में प्रायोगिक व्याख्या करती है। यानी अनुसंधान के निष्कर्षों के विषय में एक सामान्य अनुमान हम लगा लेते हैं और ये जो सामान्य अनुमान होता है वो अस्पष्ट भी हो सकता है, अस्पष्ट भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, असाधारण भी हो सकता है। तो ये जो अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने से पहले उसकी समस्या के बारे में जो अनुसंधानकर्ता के मन में ये जो संगठित असंगठित अस्पष्ट और साधारण रूप से जो विचार उत्पन्न होते हैं, या कह लीजिए कि अनुसंधानकर्ता जिन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास कर रहा होता है उन प्रश्नों के उत्तरों से जुड़े हुए जो सामान्य विचार, जो सामान्य अनुमान अनुसंधानकर्ता के मन मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं उसी को हम लोग उपकल्पना या पराकल्पना से संबोधित करते हैं। तकनीकी रूप से प्राकल्पना क्या है इसे हम इसकी विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। हालांकि उपकल्पना की या प्राकल्पना की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, उनमें से सारी का तो नहीं लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उनका हम यहाँ पर उल्लेख करना चाहेंगे। जिसमें से पहली जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है बोगार्डस महोदय की। बोगार्डस महोदय ने कहा कि प्राकल्पना परीक्षित होने वाला प्रस्ताव है। यानी उनका कहने का मतलब है कि प्राकल्पना एक ऐसा प्रपोजल है, एक ऐसा निष्कर्ष है या एक ऐसा अनुमान है जिसका अभी परीक्षण होना बाकी है। यानी एक तरह से उनका कहने का मतलब ये है कि प्राकल्पना जो है वो अभी एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा कथन है जिसके आधार पर अभी आगे का हमारा जो शोध कार्य है उसी के आधार पर हमको उसको आगे बढ़ाना है। इसी तरह से एक और दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है वो कलिंगर महोदय की, करलिंगर की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राकल्पना अनुमान से कहा गया कथन है जो कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंधों को बताता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है गुडे और हार्ट की, जो इसको आप, हम चाहते हैं कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये बहुत बार कंपटीशन में, परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जा चुकी है कि किसने कहा है कि उपकल्पना एक काम चलाओ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना अभी बाकी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गुडे और हार्ट से रिलेटेड है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए जिससे किसी प्रकार की आपको कोई कंफ्यूजन एग्जामिनेशन में ना हो। तो हम समझते हैं कि ये प्रकल्पना की जो आपने परिभाषाएं लिखी हैं इन परिभाषाओं के माध्यम से आप प्रकल्पना के अर्थ को ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक अच्छी उपकल्पना की विशेषताओं की। क्योंकि जो हमारा सामाजिक अनुसंधान है वो बिना प्राकल्पना के निर्माण के पूरा नहीं होता है। जो हमारा जो वैज्ञानिक निष्कर्ष अगर हम आप अपने अनुसंधान में प्राप्त करते हैं तो उसके लिए प्राकल्पना का बनाया जाना, प्राकल्पना निर्मित किया जाना इम्पॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। तो इस तरह से आप ये जान रहे हैं कि जो प्राकल्पना है वो सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। बिना इसके सामाजिक अनुसंधान कार्य ठीक प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता। अब अगर इतना इम्पोर्टेंस है प्राकल्पना का, उपकल्पना का, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप उपकल्पना के निर्माण में कुछ सावधानियों का ध्यान नहीं रखते हैं, उपकल्पना के का निर्माण अगर आप ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो आपकी जो उपकल्पना है वो आपके अनुसंधान में उपयोगी नहीं होगी। और इसके आधार पर अगर आप अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो फिर आप वैज्ञानिक निष्कर्ष की प्राप्ति में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस कारण से गुडे और हार्ट ने एक उपयोगी प्राकल्पना की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है
उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि अगर आप प्राकल्पना का निर्माण करना चाहते हैं और उसको अपने सामाजिक अनुसंधान में उसका वास्तविक रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें ये जो चार विशेषताएं हैं प्राकल्पना की वो उसमें समाहित होनी चाहिए। उसमें अस्पष्टता, प्रयोग सिद्धता, उपलब्ध प्रविधियों से संबद्धता और प्राकल्पना की विशिष्टता, ये चार जो हैं वो सामाजिक अनुसंधान में जो प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है उसकी ये चार महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे, इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो अनुसंधान कार्य है वो ठीक तरीके से संपन्न नहीं हो सकता है। अस्पष्टता का मतलब ये है कि उपकल्पना का जब हम निर्माण करें तो उस पर उस उपकल्पना में जो हम स्टेटमेंट यूज करते हैं, जो शब्द हम उसमें प्रयोग में लाते हैं, उसमें अस्पष्टता होनी चाहिए, यानी उसका जो अर्थ है वो इस तरह से शब्द हम उसमें प्रयोग करें कि सामान्य आदमी भी हमारी जो प्राकल्पना है, जो उपकल्पना है, उसको ठीक प्रकार से समझ जाए। तो कहने का आशय यह है कि उपकल्पना का जो निर्माण है, उसका जो वर्णन है, वो सरल भाषा में होना चाहिए, जिससे कि व्यक्तियों के द्वारा इसे आसानी से समझा जा सके। इसी तरह से जब हम एक प्राकल्पना का निर्माण करें तो हमारी प्राकल्पना में ऐसी अवधारणाओं का समावेश होना चाहिए जिनकी सत्यता को हम प्रयोगों के द्वारा या वैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा हम उसकी सत्यता का, उसकी वास्तविकता का अध्ययन कर सकें, उसकी प्रमाणिकता की जांच कर सकें। तो गुडे और हार्ट का कहने का मतलब ये है कि प्राकल्पना का जो निर्माण है वो आदर्श लोक में नहीं किया जाना चाहिए। प्राकल्पना का निर्माण जब भी हम करें तो उसमें ये ध्यान रखें कि जो उसमें जो हम जिन अवधारणाओं का प्रयोग कर रहे हैं वो जो अवधारणाएं हों या जो तथ्य हम जिनको अपने अनुसंधान में शामिल कर रहे हैं वो ऐसे तथ्य, ऐसे अवधारणाएं होनी चाहिए जिनको कि वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर या वैज्ञानिक कसौटियों के आधार पर उनको हम जांच सकें, उनकी सत्यता का हम परीक्षण कर सकें। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में उन्होंने कहा बताई विशिष्टता, यानी गुडे और हार्ट ने विशिष्टता को उपकल्पना में विशिष्टता का होना आवश्यक बताया। अगर उपकल्पना में विशिष्टता का गुण नहीं होगा तो उपकल्पना का परीक्षण करना कठिन होगा, क्योंकि विशिष्ट जो तथ्य होते हैं, विशिष्ट तथ्यों के संकलन से हमारा जो अनुसंधान होता है वो व्यवस्थित होता है और इसमें निष्कर्ष निकालने की में जो हो वो हमको सहूलियत होती है। अगर आप सामान्य तथ्यों के आधार पर, सामान्य अवधारणाओं के आधार पर उपकल्पना का निर्माण करेंगे तो उसकी सत्यता का परीक्षण आप ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे और आपका जो अनुसंधान कार्य है वो ठीक प्रकार से पूरा नहीं होगा, यानी वास्तविकता के तक नहीं पहुंच पाएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो अक्सर जो विद्यार्थियों के बीच में कन्फ्यूजन आ जाता है, प्रस्थापना, प्राकल्पना और सिद्धांत, ये जो तीन जो अवधारणाएं हैं अक्सर इनमें लोग मिक्सअप कर देते हैं और इसका जो सही अर्थ है वो ठीक प्रकार से उसको नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपके लिए ये जो तीन शब्द हैं, ये तीन जो अवधारणाएं हैं, इनका जो एक्चुअल जो मीनिंग है वो हम आपको अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करते हैं। अब जैसे प्रस्थापना क्या है, प्रस्थापना का मतलब होता है कि प्रस्थापना जो है वो एक कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है, सामान्य कथन होता है जो चर या अवधारणाओं के बीच में संबंधों को बताता है। वास्तव में जो प्रस्थापना होती है वो एक या अधिक तथ्यों के बीच में संबंधों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि सामान्य विवरण होता है। तो प्रस्थापना का मतलब है कि प्रस्थापना एक जो है वो एक जनरल स्टेटमेंट है, एक सामान्य कथन है। ये जो प्रस्थापना है वो तीन प्रकार की होती है, एकल प्रस्थापना, द्विविध प्रस्थापना और बहुविध प्रस्थापना। प्रस्थापना का एकल प्रस्थापना का मतलब होता है कि जब हम प्रस्थापना में किसी मात्र एक चर की चर्चा करते हैं तो वो एकल प्रस्थापना होती है। जैसे हम ये कहें कि होटल में रहने वाले लड़के अधिक धूम्रपान करते हैं तो ये जो है वो एक एकल प्रस्थापना है। इसी तरह से द्विविध प्रस्थापना वो होती है जिसमें दो चर होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम ये कहें कि जो
जो कम पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं वो शिक्षित स्त्रियों की अपेक्षा ससुराल वालों द्वारा अधिक शोषित होती हैं या प्रताड़ित की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो चर हो गया, एक शिक्षित स्त्रियाँ और दूसरी जो हैं वो अशिक्षित स्त्रियाँ या जो साक्षर स्त्रियाँ नहीं हैं। यहाँ पर दो चर आपको मिल गए, तो ये जो प्रस्तावना हो गई वो द्विविध प्रस्तावना हो गई। इसी तरह से जो बहुविधि प्रस्ताव है उसमें हम सामान्यतया दो या दो से अधिक चरों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बहुविधि प्रस्तावना क्या है इसको आप समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम ये कहें कि महिलाओं में जितनी अधिक निरक्षरता होगी उनका आत्मविश्वास उतना ही कमज़ोर होगा और पुरुषों द्वारा उनका जो शोषण है उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो से अधिक चर हो गए, एक महिलाएं जो निरक्षर हैं यानी जो पढ़ी लिखी नहीं है, दूसरा आत्मविश्वास का जो लेवल है और तीसरा जो पुरुषों के द्वारा शोषण। तो इसमें आत्मविश्वास, पुरुष और जो निरक्षर महिलाएं, ये तीन चर हो गए और इस कारण से जो ये जो हमारी प्रस्तावना है या प्रस्थापना है ये जो है वो बहुविध प्रस्तावना के अंतर्गत आती है। इसके बाद आता है प्राकल्पना। प्राकल्पना जिसके ऊपर हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं, तो प्राकल्पना जो है वो एक ऐसी प्रस्थापना होती है जिसका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि प्रस्थापना जो है वो एक सामान्य विचार होता है, सामान्य कथन होता है, लेकिन जो प्राकल्पना होती है वो प्राकल्पना जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा विचार होता है जिसका हम अनुभव के आधार पर परीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है सिद्धांत। सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं कि सिद्धांत जो है वो तर्क संगत रूप से अंतर संबंधित और अनुभव परक होता है और इसे हम वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा इसको हम प्रमाणित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो सिद्धांत होता है वो प्रमाणित करने वाले जो प्राकल्पनाएं होती हैं उन प्राकल्पनाओं के योग से बना हुआ होता है, या आप कह सकते हैं कि जो सिद्धांत होता है वो वैज्ञानिक नियमों के आधार पर होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं प्राकल्पना के स्रोत की। प्राकल्पना के स्रोत का मतलब ये हो गया कि जब हम सामाजिक अनुसंधान से के विषय में, उसके समस्या के कार्य कारण संबंधों के विषय में जब हम पूर्वानुमान करते हैं, सामान्य अनुमान लगाते हैं, तो जब हम सामान्य अनुमान लगाते हैं या उसके कार्य कारण संबंधों के बारे में पूर्व चिंतन करते हैं तो हमारा जो पूर्व चिंतन है वो कुछ धारणाओं के आधार पर प्रभावित होता है, संचालित होता है, जिन्हें हम प्राकल्पनाओं को निकालने के स्रोत के रूप में जानते हैं। तो प्राकल्पनाओं के निकालने के जो स्रोत के अंतर्गत जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें हैं समाज के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, पिछले जो पास्ट जो रिसर्च हुए हैं, लोक बुद्धिमानी, बहस और वार्तालाप के माध्यम से भी एक व्यक्ति के मन में उस घटना या विषय के बारे में कुछ सामान्य अनुमान लगाने का जो विचार है उसके मन में आता है। इसी तरह से व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आप अपने दैनिक जीवन में कुछ सामान्य नियमों का अध्ययन कर सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं, और व्यक्ति जो है वो कभी कभी अनुसंधानकर्ता अपने भीतर उसको खुद से फीलिंग होता है, खुद से अनुभव होता है, कुछ घटनाएं जो हैं वो संबद्ध होती हैं, कुछ असंबद्ध होती हैं, तो उन संबद्ध और असंबद्ध घटनाओं को देख करके जो अनुसंधान करता है उसके मन में स्वाभाविक रूप से एक अंतर्बोध उत्पन्न होता है और उस अंतर्बोध के आधार पर वो एक उपयोगी प्राकल्पना का निर्माण करने में सफल होता है या उसको निर्मित कर लेता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य। तो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य जो है वो वास्तव में प्राकल्पनाओं को निकालने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें कि अमेरिकन संस्कृति जो है या पश्चिमी संस्कृति जो है वो व्यक्तिवाद, गतिशीलता और समानता की धारणा पर आधारित होती, जबकि जो भारतीय संस्कृति है उसमें परंपरा, धर्म की प्रधानता
या कह लीजिए कि जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद जैसी जो भावनाएं हैं वो आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो जिस सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य में हम किसी घटना का, किसी समस्या का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य के अनुरूप हम स्वाभाविक रूप से प्राकल्पनाओं को विकसित कर लेते हैं, उनका निर्माण कर पाने में सफल हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि प्राकल्पनाओं के जो स्रोत हैं उनको आप ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो है उपकल्पनाओं के प्रकार के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि उपकल्पना कितने प्रकार की होती है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार के से उपकल्पना के प्रकारों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपके अध्ययन की सुविधा के लिए मोटे तौर पर जो उपकल्पनाएँ होती हैं सामाजिक अनुसंधान से जुड़ी होती हैं उनका हमने यहाँ पर जिक्र किया है, जिसमें सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि गुडे और हार्ट ने सभी प्रकार की जो प्राकल्पनाएँ होती हैं उनको मोटे तौर पर उन्होंने तीन भागों में विभाजित कर दिया है। अनुभवात्मक समानताओं पर आधारित प्राकल्पनाएँ, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित उपकल्पनाएँ और विशिष्ट चरों से संबंधित उपकल्पनाएँ। तो इस तरह से ये जो तीन कैटेगरी हैं, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित प्राकल्पना, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पना और विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित ये जो उपकल्पनाएँ होती हैं, ये जो वर्गीकरण है, ये जो विश्लेषण है वो गुडे एंड हार्ट से रिलेटेड है। उन्होंने उपकल्पनाओं को तीन कैटेगरी में, तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं उपकल्पना के, तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हम उपकल्पनाओं को मोटे तौर पर सात निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से है कार्यकारी उपकल्पना, वैज्ञानिक उपकल्पना, वैकल्पिक उपकल्पना, अनुसंधान प्राकल्पना, निराकरणीय प्राकल्पना, सांख्यिकी उपकल्पना और शून्य उपकल्पना। तो इसमें से हम दो के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहेंगे। वैसे तो सारी उपकल्पनाएं हैं, लेकिन इनमें से दो तीन जो उपकल्पनाएं हैं वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जिसमें से सबसे पहले लिखा है आपने कार्यकारी उपकल्पना, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कामचलाऊ उपकल्पना भी कहते हैं। तो चूँकि आपको मैंने पहले बताया कि जो प्राकल्पना है या जो उपकल्पना होती है वो अनुसंधान समस्या के बारे में एक सामान्य अनुमान होता है, एक पूर्वानुमान होता है, तो इस कारण से उपकल्पना को हम एक कार्यकारी उपकल्पना के रूप में देखते हैं। कार्यकारी का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी उपकल्पना जिसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना अभी बाकी होता है। इसी तरह से एक दूसरी जो उपकल्पना है जो सबसे नीचे है नंबर सात पे यहाँ पर लिखी गई है वो है शून्य उपकल्पना। ये शून्य उपकल्पना से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि शून्य जो उपकल्पना का जो निर्माण है वो रोनाल्ड फिशन के द्वारा किया गया है। रोनाल्ड फिशन महोदय ने ये कहा कि ऐसी उपकल्पना जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव पाए जाते हैं, यानी ऐसी उपकल्पना जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को ही व्यक्त करती है, उसे उन्होंने, रोनाल्ड फिशन ने शून्य उपकल्पना कहा है। जैसे हम आपको एक उदाहरण से इसको समझाएं कि महिला, अगर हम ये कहें कि महिला और पुरुषों में धर्म के प्रति जो उनकी भावना होती है उसमें कोई अंतर नहीं होता है और ना ही पुरुष की बुद्धि और स्त्री की बुद्धि में कोई विशेष अंतर होता है, तो इस तरह से ये जो उपकल्पना है इसमें हम दोनों पक्षों को सम्मिलित कर रहे हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष इसमें समाहित हैं। तो इस तरह से आपकी ये जो उपकल्पना है इसको हम शून्य उपकल्पना कहेंगे। तो इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि उपकल्पना के विभिन्न प्रकार हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करते हैं, यानी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। जैसी परिस्थिति होती है वैसी उपकल्पना बनाई जाती है ताकि शोध को निश्चित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इसके बाद आता है उपकल्पना के कार्य की
चर्चा यहाँ पर की गई है। तो उपकल्पना का जो कार्य है वो सामाजिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कार्य है। उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान को मार्ग निर्देशन करने का काम करती है, या कह लीजिए उपकल्पना जो है वो समुद्र में चलने वाले जहाज में के लिए जो जैसे एक प्रकाश स्तंभ होता है, जो लाइट पोल्स होते हैं, उस तरह से जो उपकल्पना होती है वो सामाजिक अनुसंधान में जो रिसर्च स्कॉलर हैं उसको एक तरह से लाइट पोल का काम करती है, उसको इंडिकेट करती है, उसको सही रास्ते पर ले जाने का काम करती है। कुछ इसी तरह के विचारों के साथ सेल्टिज और जहोदा ने कहा कि उपकल्पना का निर्माण तथा सत्यापन वैज्ञानिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसी तरह से गुडे और हार्ट का मानना है कि अच्छे अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है जो शोध को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन विद्वानों ने आपको ये बताने का प्रयास किया कि उपकल्पना अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चरण है। उपकल्पना अनुसंधान के क्षेत्र को न केवल सीमित करती है बल्कि वास्तव में प्रकल्पना जो है वो अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करने में भी शोधकर्ता की सहायता करती है, और इसी के आधार पर रिसर्च स्कॉलर अपने अनुसंधान समस्या से जुड़े हुए जो उपयोगी तथ्य हैं, वास्तविक तथ्य हैं, उनका संकलन करता है और उनका प्रयोग सिद्ध परीक्षण करके सिद्धांतों का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो प्रकल्पना है या जो उपकल्पना है वो सामाजिक अनुसंधान का एक केंद्रीय विषय है, एक महत्वपूर्ण पक्ष है, और वो सामाजिक अनुसंधान में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है या उसका विशेष महत्व होता है। इसके बाद है प्रकल्पना की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो उपकल्पना है उसकी सीमाएं क्या हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर उपकल्पना का निर्माण ठीक तरीके से नहीं करते हैं, हालांकि जो उपकल्पना होती है वो सामाजिक अनुसंधान को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, लेकिन अगर उपकल्पना का निर्माण करते समय सावधानी नहीं रखी जाए तो उपकल्पना दोषपूर्ण भी हो जाती है और इससे जो वास्तविक निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे में एक जो अनुसंधान करता है, जो शोध करता है, जो रिसर्च स्कॉलर है, उसको प्रकल्पना की सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर वो प्रकल्पनाओं की सीमाओं का ज्ञान उसको नहीं है तो फिर वो उसके द्वारा दोषपूर्ण तरीके से प्रकल्पनाएं निर्मित की जा सकती हैं और ऐसे में उसका जो पूरा का पूरा जो अनुसंधान कार्य है वो बेकार साबित हो सकता है, अनुपयोगी साबित हो सकता है। तो इस तरह से प्रकल्पनाओं की सीमाओं के बारे में जानकारी होना रिसर्च स्कॉलर के लिए, शोध छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो प्रकल्पनाएं की जो सीमाएं हैं उनमें से 3-4 पॉइंट हैं, वो है प्रकल्पना पर अटूट विश्वास, उपकल्पना आधारित तथ्य संकलन या अनुसंधानकर्ता के अभिरुचि और संवेगों का प्रभाव, और शोधकर्ता की खुद की प्रतिष्ठा। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो प्रकल्पना को दूषित कर देते हैं, उसको एक सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने से रोकते हैं। जैसे आपने देखा कि प्रकल्पना पर अटूट विश्वास अगर कर लिया जाए, यानी शोधकर्ता अगर ये मान ले कि जो हमारी जो प्रकल्पना है वो सही है और उसी को सच मान करके वो तथ्यों का अध्ययन करने लगे, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो अनुसंधान कार्य है वो वैज्ञानिक सत्यता की ओर नहीं अग्रसर हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि उपकल्पना जो होती है वो एक काम चलाऊ निष्कर्ष होती है, वो एक सामान्य अनुमान होता है। इसके आधार पर हम अपने शोध कार्य को आगे जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन इसी को हम एक आधार नहीं मान लेते, यानी इसको हम एक काम चलाऊ निष्कर्ष के रूप में ही स्वीकार करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शोधकर्ता जो होता है उसका अध्ययन विषय के बारे में, उस समस्या के बारे में उसकी कुछ अपनी भावनाएं होती हैं, उसके कुछ अपने पूर्वाग्रह होते हैं, उसकी कुछ उसके क्या बोलते हैं जिसको कि उसकी अपनी कुछ अभिरुचियां और संवेग होते हैं जो उससे जुड़ी हुई होती हैं, तो जिसके कारण से उसका जो शोध कार्य है वो पक्षपातपूर्ण हो जाता है और ऐसी स्थिति में शोध जो है वो अवैज्ञानिक हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं
की प्राकल्पना पर अटूट विश्वास होना, उपकल्पना आधारित तथ्यों का संकलन करना, या अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की अभिरुचियों और संवेगों को पर को का, का प्रभावित हो जाना, और शोधकर्ता जो है वो अपनी प्रतिष्ठा को उसमें सम्मिलित कर ले। कि कई बार ऐसा होता है कि जो रिसर्च स्कॉलर है, शोधकर्ता है, वो अपनी उपकल्पना को सत्य साबित करने में ही लग जाता है। यानी अब जो उसने उपकल्पना बना ली है, उसी उपकल्पना को वो सत्य सिद्ध करने की कोशिश में लग जाता है, और उसी तरह की वो तथ्यों का, आंकड़ों का वो संकलन करता है, जिससे कि उसकी सत्यता, उसकी जो उपकल्पना की जो सत्यता है वो बनी रहे। यानी वो अपनी उपकल्पना को सत्य सिद्ध करने के चक्कर में अपना जो पूरा का पूरा जो शोध कार्य है वो चौपट कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रकल्पना की इन सीमाओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं प्राकल्पनाओं के परीक्षण की। तो प्राकल्पनाओं का निर्माण और उनका परीक्षण करना, उनका सत्यापन करना सामाजिक अनुसंधान का एक केंद्रीय विषय है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्राकल्पनाएं दोषपूर्ण भी हो सकती हैं। प्राकल्पना का निर्माण करते समय अगर हमने सावधानी नहीं बरती है, उसकी सीमाओं का ध्यान नहीं रखा है, तो फिर जो प्राकल्पना हमने बनाई है वो दोषपूर्ण हो सकती है, वो हमारे लिए अनुपयोगी हो सकती है। इसलिए एक अनुसंधानकर्ता को ये सलाह दी जाती है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी अनुसंधान से रिलेटेड, अपने अनुसंधान कार्य से जुड़े हुए जो भी वो प्राकल्पना का निर्माण करता है, उसका वो एक बार सत्यापन कर ले, उसका वो परीक्षण कर ले, उसका टेस्ट कर ले, जिससे कि अगर उसमें कोई दोष हो, उसमें कोई कमी हो, तो उस कमी को, उस दोष को वो समाप्त कर सके, उसको उसका निराकरण कर सके, और फिर उस अपने अनुसंधान कार्य को वो वैज्ञानिक स्तर तक ले जा सके। तो प्राकल्पनाओं के परीक्षण के बारे में दो तरह के दृष्टिकोण हैं, दो तरह के उपागम हैं। इसमें से पहला है परंपरागत उपागम, क्लासिकल अप्रोच, और इस उपागम के जो प्रवर्तक हैं वो हैं केनेथ बेली ने ये बताने का प्रयास किया कि जो उपकल्पनाएं होती हैं उनके तीन उपस्तर होते हैं, और इन्हीं तीन उपस्तरों के आधार पर उनका परीक्षण किया जाना जरूरी होता है। अपने परंपरागत उपागम के अंतर्गत जो उन्होंने तीन उपस्तर बताए हैं, उनमें पहला है अवधारणात्मक अवस्था, दूसरा है अनुभवात्मक अवस्था, और तीसरा है विश्लेषणात्मक अवस्था। यानी केनेथ बेली का ये कहना है कि प्रथम अवस्था में हमें जो है वो अवधारणाओं और चरों को परिभाषित करना और उनके संबंधों को बताते हुए प्रस्थापना लिखना चाहिए। दूसरी अवस्था में परीक्षणीय प्राकल्पना लिखते समय दो अवधारणाओं के बीच में अनुभवात्मक जो संबंध है उसको जोड़ना चाहिए। और तीसरी अवस्था में जो हमने एकत्रित की है, जो सामग्री हमने इकट्ठा किया है, जो तथ्य संकलन किया है, उस तथ्य संकलन के विश्लेषण में हम उसका विश्लेषण करना चाहिए, और उसी विश्लेषण के आधार पर हम अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से अवधारणात्मक अवस्था, अनुभवात्मक अवस्था और विश्लेषण अवस्था, ये जो है वो प्राकल्पनाओं के परीक्षण की तीन अवस्थाएं हैं, और इन अवस्थाओं का उल्लेख जो है वो केनेथ बेली के महोदय के द्वारा किया गया है। इसके बाद जो दूसरा है, दूसरा जो उपागम है, जो दूसरा दृष्टिकोण है, वो है प्राकल्पनात्मक निगम विधि। तो ये जो अप्रोच हैं, इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो प्रवर्तक हैं, वो हैं सिंगलटन और स्टेटस। ये जो इन्होंने प्राकल्पना के परीक्षण के लिए प्राकल्पनात्मक निगम विधि को उपयोगी बताया है, और उन्होंने कहा कि इन्होंने भी प्राकल्पना के परीक्षण में परीक्षण की तीन अवस्थाओं का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने प्रथम अवस्था में प्राकल्पना की रचना, दूसरी अवस्था में प्राकल्पना से परिणाम निकालना, और तीसरी अवस्था में उन्होंने अवलोकनों के आधार पर प्राकल्पना के विषय में निष्कर्ष निकालना। तो ये
इनका ये कहना है सिंगलटन और स्टेटस महोदय का कि अगर आपने कोई उपकल्पना बनाई है तो उस उपकल्पना का 3 स्तरों पर आपको परीक्षण करना चाहिए। पहले उपकल्पना की रचना के स्तर पर उसका परीक्षण करना चाहिए, फिर प्रकल्पना से परिणाम निकालते समय उसका परीक्षण करना चाहिए, और फिर उस परिणाम जो निकाला गया है जो या जो हमने प्रकल्पना के आधार पर जो हमने तथ्य संकलन किया है उसका अपने अवलोकन के आधार पर उसका पक्षपात रहित अवलोकन के आधार पर उसका परीक्षण उसका अर्थ परीक्षण किया जाना जरूरी होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रकल्पना या उपकल्पना से जुड़ी हुई जो विभिन्न बातें हैं उसको अपनी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको ठीक प्रकार से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा है या कोई आपको दिक्कत है या आपको मेरे बताने से किसी प्रकार की समझ में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से आप अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में जो घंटी वाला बटन है इसको ज़रूर प्रेस करिए जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।